सके कि YouTube की जो न्यू अपडेट्स हैं वो क्या हैं। फिर आप अपडेट्स को पूरा देखें, जानें और फिर उसके ऊपर आप अमल करें चाहे ना करें, लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि YouTube की जो न्यू अपडेट्स है वो क्या हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें राणा प्रोडक्शन को, और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं कि YouTube की जो न्यू अपडेट्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले उन्होंने जो अपडेट्स दिए हैं वो हैं कॉपीराइट स्ट्राइक की। तो जी हाँ, पहले आपको YouTube अगर कोई भी बंदा कॉपीराइट स्ट्राइक भेजता था तो वो पता नहीं चलता था कि आपको क्या कॉपी किस वजह से कॉपीराइट आया है, आपको आपकी वीडियो को डिलीट कर दिया जाता था, टेक डाउन कर दिया जाता था कि ये आपने गलत कंटेंट यूज़ किया है किसी का जिसकी वजह से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक मिला है। तो लेकिन हाल ही अब YouTube ने जो अपडेट्स दिए हैं वो आपको पूरा नोटिस आपके इलम में आपको फराम करेगा कि आपको किस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है, आपने इस इतने सेकंड का कॉपीराइट यूज़ किया है किसी का, इतने सेकंड का किया है, वो आपको मुकम्मल मालूमात फराम करेगा। आपकी वीडियो को कॉपीराइट जो स्ट्राइक है आई है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी मालूमात देगा YouTube के आपको इस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। तो ये बहुत ही अच्छी YouTube की अपडेट्स है कॉपीराइट स्ट्राइक की। पहले हमें पता नहीं चलता था कि भाई हमारी वीडियो किस वजह से कॉपीराइट हुई है, स्ट्राइक दी है उसने, हमने कोई थंबनेल यूज़ किया है, कोई म्यूज़िक यूज़ किया है, तो हमें पता नहीं चलता था। लेकिन अब YouTube उसकी पूरी मुकम्मल मालूमात आपको फराहम करेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स है यूट्यूबर्स के लिए। तो उसके बाद दूसरी नेक्स्ट जो अपडेट्स है वो उसने जो दी है वो है कोलैबोरेट की। जी हाँ दोस्तों, कोलैबोरेट अगर हम किसी को के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, किसी के साथ अपने चैनल को शेयर करना चाहते हैं ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो दूसरे चैनल की ऑडियंस के साथ हम यानी कि शेयर करें, तो उसके लिए आप अपने डिस्क्रिप्शन या टाइटल में आप एट द रेट जो ईश से शुरू होता है ईश से एट द रेट लिख कर उस चैनल का नाम अगर आप लिखेंगे तो वो आप उसके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो वो आप दे सकते हैं। तो ये भी एक न्यू अपडेट्स है कि आप किसी के साथ अगर कोलैबोरेट करना चाहते हैं अपने चैनल को तो वो आप इस तरह दे सकते हैं, टाइटल में दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं या आप टैग में दे सकते हैं। तो ये अपडेट्स थी YouTube की दूसरी। और उसके बाद जो तीसरी अपडेट्स है YouTube की वो है रियल टाइम, जो हम अपनी वीडियो का देखते थे या अपने मोनेटाइजेशन का वो हमें मिनटों में दिखाता था YouTube, लेकिन अब उसने 48 आवर में हम अपने किसी भी वीडियो का वॉच टाइम देख सकते थे, लेकिन अब YouTube ने वो घंटों में कर दिया है आवर में। अब आपको मिनटों में नज़र नहीं आएगा, वो आपको घंटों में नज़र आएगा, यानी कि आपको आवर में वो YouTube वो उसको दिखाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट्स है। उसके बाद YouTube छोटी छोटी जो अपडेट्स है वो देता रहता है, तो मैं आपके साथ उम्मीद है करता रहूँ जो भी नई अपडेट्स आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उसके बाद अगर एक और YouTube की अपडेट्स है कि अगर आप अपने मैसेज और जो भी आपको कमेंट्स आते हैं तो वो उसको आप लहजा से भी देख सकते हैं, लहजा किसने कमेंट दिया आप उसको हाइड भी कर सकते हैं, यानी कि वो भी एक अपडेट्स है। आप कमेंट्स में जाएंगे आपको वो वहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा, मुख्तलिफ ऑप्शन आपको नज़र आएंगे कमेंट्स में। तो ये कुछ YouTube की अपडेट्स थी। जो सबसे पहले मुझे अपडेट जो अच्छी लगी वो कॉपीराइट स्ट्राइक की थी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने ये थंबनेल यूज़ किया है, ये हमने पिक्चर यूज़ किया है, ये हमने म्यूज़िक यूज़ किया है, हमने इतनी सेकंड का यूज़ किया है। तो वो ज़बरदस्त अपडेट्स है मेरे ख्याल में, ये बहुत अच्छी अपडेट्स है हमें मालूम YouTube। उसके बाद आपको YouTube से भी मालूम ले सकते हैं कि हमें किस वजह से स्ट्राइक मिली है। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नई वीडियो के साथ फिर हाज़र होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।
वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।